हेलो फ्रेंड्स, मैं सिंह साहब फ्रॉम आईआईटी इंदौर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी इस वीडियो में आप देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 6। ठीक है, तो इससे पहले मैं 5 पार्ट सॉल्यूशन चैप्टर के पब्लिश कर चुका हूं। आई होप कि वो आपने देख लिए होंगे। पता नहीं जो पार्ट 5 है उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है कि अभी तक जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं उसका जो वॉच टाइम आया वो सबसे कम आया, मतलब काफी स्टूडेंट ने उसको जस्ट स्किप कर दिया थोड़ा सा देख के। तो मे बी इसलिए कि क्वालिटी कहीं ना कहीं उसकी कम रही है ना, तो वो मैंने फिर इम्प्रूव कर दिया है बाकी अदर वीडियोस में। तो ये जो पार्ट 6 है इसमें मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एकदम टू द पॉइंट बात की है, ना ज्यादा घुमाया है ना फिराया है, ना एकदम जेई और नीट के लेवल के, ओनली बोर्ड के लेवल से मैंने उसको आपको बताया है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद जो वीडियो है वो 2 वीडियो और है, पार्ट 7 पार्ट 8, जिसमें इस सॉल्यूशन चैप्टर की थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो वो जो 2 पार्ट है वो यूट्यूब पे पब्लिकली पब्लिश नहीं होंगे, है ना, वो उन स्टूडेंट को मिल जाएंगे जिन स्टूडेंट ने मेंबरशिप ले रखी है। और जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली वो मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9009155849, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ओके, तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और शुरू कीजिए इसको देखना। ठीक है, अभी रात के 2 बज रहे हैं और मुझे 1-2 घंटा और लगेगा इसको एडिट वेडिट करने में, पब्लिश करने में। ओके, तो चलिए ठीक है, बाय। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 2.6 यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास। तो इससे पहले हमने 2.5 देखा था जिसमें हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात की थी, राइट। तो ये आप देख रहे हैं सॉल्यूशन का पार्ट 6। इससे पहले पार्ट 5 पब्लिश हो चुका है, उसके सारे पार्ट पब्लिश हो चुके हैं यूट्यूब पर, यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने सीखा था 2.4.3 में कि जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम होता है किसके, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो ऐसा क्यों होता है, इसको तो हमने वेपर प्रेशर वाले टॉपिक में अच्छे से देख लिया था, यदि वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा और फिर मैं इसको थोड़ा सा भी बता देता हूँ। ठीक है, तो देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच आर कनेक्टेड विद दिस डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशंस की जो इससे कनेक्टेड हैं। तो उन सर प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे, तो इसमें 4 प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और फिर दूसरी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, और तीसरी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, एंड चौथी है ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। तो ये जो सब प्रॉपर्टीज हैं, ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ में आया कुछ, देखो ये जो प्रॉपर्टीज ऊपर दी हुई हैं ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, ना कि इनके नेचर पर। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज जो होती हैं इनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, जितना समझ में आया ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, राइट। तो मान लो ये रहे हमारे 2 क्लोज्ड वेसल, ठीक है, यहां पर इसमें ये प्रेजेंट है सॉल्वेंट पार्टिकल, क्या है ये, सॉल्वेंट पार्टिकल। अब इसमें हमने कुछ ऐड किए सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, अब देखना ध्यान से। तो यहां से ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है, तो यहां पर लिख लो सॉल्वेंट, और यहां पर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों है, राइट। तो बेसिकली ये क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हाँ कि ना, ठीक है। अब यहां पर जो प्रेशर होगा इसको हम मान लेते हैं ये इस कंपोनेंट, इसको बोल देते हैं हम कंपोनेंट 1 है ये, और ये क्या है, कंपोनेंट 2। और ध्यान रहे ये जो है सॉल्वेंट ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल है तभी तो प्रेशर क्रिएट होगा, तभी तो वेपर प्रेशर आएगा, और ये है, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल, यानी कि इसके पार्टिकल उड़ नहीं सकते हैं। तो इसके प्रेशर को हमने क्या बोल दिया कि ये जो प्रेशर आ रहा है ना, ये है P1 नॉट, और यहां पर जो प्रेशर है सॉल्यूशन का ये है P1,
समझ में आ गया। इसके वेपर प्रेशर को हमने क्या बोला, पी वन नॉट। इसके प्रेशर को क्या बोला, वेपर प्रेशर को पी वन। अब एक चीज जो हमने पढ़ी है वो क्या, वो ये कि जब हम यहां से यहां जा रहे हैं यानी कि इस प्योर सॉल्वेंट में हमने कुछ सॉल्यूट ऐड किए जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट थे, तो इसकी वजह से पी वन यानी कि जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, यानी कि जो पी वन है वो लेस देन होता है पी वन नॉट से। क्या ये आपको पता है ना, ये मैंने बता दिया यहाँ पे, ये जो पहली लाइन लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट, है ना। तो जब वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तब इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, यानी कि पी वन इज लेस देन पी वन नॉट। सिंपल, समझ में आया, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब ऐसा होता क्या है, इसका रीजन मैंने वैसे तो बता दिया था बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं एक बार। तो यहां पर जो था ये सरफेस है, इस सरफेस पर सारे के सारे पार्टिकल्स किसके थे, सॉल्वेंट के थे, और इस सरफेस पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे और कुछ स्पेस जो था वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने कवर कर लिया था नॉन वोलेटाइल। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये तो ऊपर जा सकते हैं सारे के सारे, एस्केप कर सकते हैं, है ना, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर जो एस्केप करने वाले हैं, जो जो छोड़ के इसको जाएंगे, जो उड़ेंगे, जो वोलेटाइल है वही उड़ेंगे, है ना, तो जो ग्रीन ग्रीन है जो सॉल्वेंट है वो हो जाएगा केवल, है ना। तो जो एस्केपिंग पावर होगी यानी कि छोड़ने की जो ताकत होगी, तो कम पार्टिकल्स ऊपर जा रहे होंगे क्योंकि ये जगह नॉन वोलेटाइल ने घिर रखी है ना, तो ये तो ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, तो इस वजह से जो हो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट को हमने माना था P1, सॉल्यूट को माना था कंपोनेंट 2, ठीक है, सॉरी सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो क्या P1 नॉट और सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो क्या P1। अब देखो रोल्स लॉ से क्या हम कंक्लूड करते हैं कि जो P1 है, P1 क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है यानी कि सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, पी वन नॉट इंटू पी वन नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि यहां पर जो वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, सॉल्वेंट की, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो जा नहीं रहे, वो तो नॉन वोलेटाइल है, तो यहाँ पे आएगा x1। समझ में आ गया। अब ये आपको पता है p1 नॉट p1 से ज्यादा होता है, है ना, तो यानी कि p1 नॉट से p1 ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो p1 नॉट पहले प्रेशर था, अब कितना हो गया P1, तो P1 नॉट से P1 गया यानी कि डिक्रीज हुआ, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है ये वाली कम है, तो इसको हम बोल देते हैं डेल्टा P1। क्या बोल देते हैं, डेल्टा P1, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब हम यहां तक पहुंच गए, अब डेल्टा P1 कितना है, इतना P1 नॉट, ये P1 है, ठीक है, P1 नॉट माइनस P1, P1 की वैल्यू कितनी दी है, रोल्स लॉ से निकाली हमने P1 नॉट इनटू X1, है ना, तो उसकी जगह लिख देंगे, तो P1 नॉट इसकी जगह लिखी P1 नॉट इंटू एक्स वन। अब यहाँ पे P1 नॉट है, यहाँ पे P1 नॉट है, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो वो क्या जाएगा, यहाँ पे से कॉमन लेंगे P1 नॉट, तो यहाँ पे क्या बचेगा वन, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा X1। समझ में आ गया, तो ये क्या आ गया, डेल्टा P1 आ गया, क्या आ गया, डेल्टा P1। ये जो डेल्टा P1 है इसको हम क्या बोलते हैं, R L नहीं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो हमने समझ ली, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, तो इसको देख रहे हैं, तो हमने यहाँ तक डेल्टा P1 निकाल लिया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वेपर प्रेशर में डिक्रीज हो रहा है और वो किसी से रिलेटिव है, तो ये जो है डेल P1, इसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको ना कि इसको हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बुला रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आर एल वी पी, तो कंफ्यूज मत होना जब मैं यहाँ ये टर्म कहीं लिखूं तो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रिलेटिव, एल का मतलब लोअरिंग, बी का मतलब वेपर और पी का मतलब प्रेशर, तो आर एल वी पी बोले तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सिंपल, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, अभी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल लिया, डेल्टा पी वन इज इक्वल टू पी वन नॉट इंटू वन माइनस एक्स वन, राइट। अब आपने एक चीज पढ़ा, यहाँ पे दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक तो कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू, इसके मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, मान लो एक्स वन है और इसके कितने होंगे, एक्स टू होंगे, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा है कि एक्स वन प्लस एक्स टू क्या होता है, वन, है ना, ये मैं काफी बार बता चुका हूँ। तो एक्स वन प्लस एक्स टू यदि वन है तो यहाँ से एक्स टू कितना आ जाएगा, एक्स वन को उधर ले जाओ तो वन माइनस एक्स वन, ठीक है, तो एक्स टू कितना आ गया, वन माइनस एक्स वन, तो यहाँ जो वन माइनस एक्स वन यहाँ पे दिया हुआ है इसकी जगह पुट कर दो एक्स टू, राइट, तो इसकी हम क्या पुट कर देंगे, एक्स टू पुट कर देंगे, तो यहां से जो डेल्टा पी वन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा,
पी वन नॉट एक्स टू, ठीक है। तो इस पी वन नॉट से इधर डिवाइड दे देंगे, तो डेल्टा पी वन अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू एक्स टू। तो ये जो होता है डेल्टा पी वन अपॉन पी वन नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, आर एल बी पी। क्या बोलते हैं, आर एल बी पी। आर एल बी पी बोले तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझ में आ गया। अब एक चीज बताओ, एक्स वन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एन वन और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना, तो एन वन प्लस एन टू। और इसी तरह एक्स टू क्या होता है, तो यहाँ पे आता था एन टू मोल ऑफ दिस कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल, यानी कि एन वन प्लस एन टू। तो ये जो एक्स टू है उसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं डेल्टा पी वन अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। अब आपको एक चीज पता है, जो एन टू है वो क्या है, ये क्या है, सोल्यूट के पार्टिकल्स है ना। हमने जो एन टू यहाँ पे माना है, जो टू कंपोनेंट है वो क्या है, सोल्यूट। अब मान लो सोल्यूशन क्या है, डायल्यूट सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है, डायल्यूट। डायल्यूट का मतलब तो आपको पता होगा, है ना, जैसे ये क्या है, एक 10 लीटर पानी में आप एक चम्मच चीनी डाल दो तो ये क्या हो गया, डायल्यूट हो गया। और वहीं एक ग्लास में 5 चम्मच चीनी डाल दो तो वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। तो डायल्यूट में यानी कि सोल्यूट बहुत कम होता है। तो जब सोल्यूट बहुत कम है, ये 10 लीटर पानी है उसमें थोड़ी सी चीनी है, तो चीनी के जो मोल होंगे वो वाटर के मोल के कंपैरिजन में क्या होंगे, नेग्लिजिबल। चीनी के जो मोल होंगे वो वाटर के मोल के कंपैरिजन में क्या होंगे, नेग्लिजिबल। यानी कि N2 इज लेस देन N1। तो यहां पर N1 प्लस N2 को हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट N1, हाँ कि ना। क्योंकि यदि हम 1 लाख रुपए हैं उसमें 1 ऐड करें तो क्या होगा, 1 लाख, एक तो उसको अप्रोक्स 1 लाख मान सकते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर n1 प्लस n2 को, चूंकि ये बहुत कम है, n1 बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको क्या लिख देंगे, n1। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल के आएगा कि ये जो है n1 प्लस n2, ये n1 के बराबर होगा, यानी कि n2 अपॉन n1, समझ में आ गया। तो अभी हम कहाँ पहुंचे, अभी हम पहुंचे डेल्टा पी1 अपॉन पी1 नॉट, जो किसके बराबर है, इस डेल्टा पी वन को आपने क्या लिखा था, पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन पी वन नॉट, ये तो सब पता ही होगा, है ना। तो ये एन टू अपॉन एन वन के बराबर है। अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से एन टू का फॉर्मूला क्या होगा, एन टू की वैल्यू क्या होगी, वेट यानी कि डब्ल्यू टू अपॉन एम टू। इसी तरह एन वन की क्या होगी, डब्ल्यू वन अपॉन एम वन, सिंपल है, ठीक है। तो यहां से जो डेल्टा पी वन अपॉन पी वन नॉट है वो कितना निकल के आएगा, इतना, है ना। तो डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, और ये एम वन ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे डब्ल्यू वन आ जाएगा, यहाँ पे एम वन, ठीक है, राइट, समझ में आ गया। इसको आप सही से लिखोगे तो ये निकल के आ जाएगा, तो फाइनली हमें ये मिल जाता है। तो ये एक इक्वेशन मिल गई, इसको हम बोलते हैं आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये फॉर्मूला यहाँ से हम एम टू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वापस एनसीईआरटी की तरफ कि उन्होंने वहां पे क्या क्या दिया हुआ है। सब सिंपल है ना, कोई भी चीज टफ नहीं है। तो सबसे पहले ये पी वन नॉट था, सॉल्वेंट सॉल्यूशन का पी वन था, तो सॉल्यूशन का क्या हुआ, पी वन इजकल टू एक्स वन पी वन नॉट, राइट। तो यहाँ से ये कम हो रहा है, पी वन नॉट से पी वन जा रहा है, तो पी वन नॉट माइनस पी वन को हमने डेल्टा पी वन बोला, और पी वन की वैल्यू यहाँ पे ये दी हुई है एक्स वन इंटू पी वन नॉट, तो पी वन की जगह मैंने क्या पुट किया, पी वन नॉट इंटू एक्स वन। तो इसमें से पी वन नॉट कॉमन लिया, तो पी वन नॉट इंटू वन माइनस एक्स वन, वन माइनस एक्स वन क्या होता है, एक्स टू के बराबर, ये हमने देखा। तो यहाँ पे लिख दिया डेल्टा पी वन इजकल टू एक्स टू इंटू पी वन नॉट, और फिर हमने क्या किया, पी वन नॉट से इधर डिवाइड कर दिया, यानी कि डेल्टा पी वन अपन पी वन नॉट इज इक्वल टू एक्स टू, राइट, ये एक्स टू से डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू एक्स टू। तो ये तो पता है डेल्टा पी वन क्या होता है, पी वन नॉट माइनस पी वन और नीचे पी वन नॉट। तो ये एक इक्वेशन निकल के आ गई। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़े थे, है ना। तो ये जब इक्वेशन निकल के आई एक्स टू, एक्स टू क्या होता है, एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू, तो इसकी जगह लिख दिया एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड इज इक्वेशन एंड इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो ये जो है आर एल वी पी वो मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, ठीक है, एक्स टू के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो एन वन है एन टू, तो एन टू हमने क्या किया, नेग्लेक्ट किया, क्योंकि एन टू बहुत कम होता है एन वन से। जो नमक या फिर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल से काफी कम होंगे, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, है ना। तो एन वन प्लस एन टू अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होंगे, एन वन के जो हमने पीछे देखा, तो इसकी क्या लिख दिया, एन वन लिख दिया। अब जो एन टू है वो क्या होता है, डब्ल्यू टू बाई एम टू, है ना। तो यहाँ पे लिखा हमने डब्ल्यू टू बाई एम टू, और जो एन वन है वो क्या होगा, डब्ल्यू वन बाई एम वन, तो डब्ल्यू वन यहाँ पे एम वन आएगा, तो वो ऊपर पहुंच गया। तो ये फॉर्मूला हमें फाइनली मिल गया, जिसको क्या करना है,
आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रिलेटिव लोअरिंग इन सॉरी ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसका यूज क्या होता है, इस फॉर्मूले का क्या यूज है, हमने ये क्यों पढ़ा है ना, बेसिकली इसको करना है आपको याद, इससे हम एम टू निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी चीज दी हुई है तो कुछ पूछा है तो वो सारी चीज हम निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 bar। जो वेपर प्रेशर है ठीक है वो कितना दिया हुआ है, 0.850 bar, किसका, प्योर बेंजीन का। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या है, बेंजीन है ना, सॉल्वेंट है तो वो क्या है, बेंजीन। तो यहाँ पे जो पी वन नॉट होगा वो कितना होगा, ये जो दिया हुआ है 0.850 है ना, प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर था वो हमने कितना माना था, पी वन नॉट। तो पी वन नॉट इज इक्वल टू 0.850 bar, सिंपल। अब और क्या दिया है, आगे बढ़ते हैं, अ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड बेइंग 0.5 gram व्हेन एडेड टू, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूट का यहाँ पे क्या दिया है, इन्होंने ये मास दे दिया, वेट दे दिया, यानी कि डब्ल्यू टू दिया है कितना, 0.5। तो डब्ल्यू टू कितना, 0.5 एडेड टू 30 gram ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का भी इन्होंने क्या दे दिया, वेट दे दिया, तो डब्ल्यू वन कितना है, 39 gram। मोलर मास बेंजीन का इन्होंने दे रखा है 78 gram, तो एम वन कितना दिया है, 78 gram per mole। ठीक है, अब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज दिस। अब वेपर प्रेशर यदि हम इसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं, ये जो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट बेइंग है उसको जब ऐड करते हैं तब यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है उन्होंने दे रखा है 0.845, तो वो क्या था, पी था ना, तो ये यहाँ पे पी दे रखा है। अब सिंपली करना क्या है, फॉर्मूला लगा देना है और हमें एम टू निकालना है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि जो सॉल्यूट है यानी कि जो एम टू है वो निकालना है, सोल्यूट का मोलर मास निकालना है। सोल्यूट का मोलर मास क्या होता है, एम टू होता है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाएंगे, पी वन नॉट माइनस पी वन अपन पी वन नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू टू इंटू एम वन अपन एम टू इंटू एम वन। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पी वन नॉट कितना दिया है, 0.850। ठीक है, तो पी वन नॉट की इनपुट कर देंगे 0.850 bar है, तो बार 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 सब कैंसिल हो जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पी वन कितना दिया है, ये 0.845, यहाँ पे पी वन लिख लेना। ठीक है, और पी वन नॉट कितना है डिनोमिनेटर में, 0.850 लिख दिया, इज इक्वल टू डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू कितना है, 0.5 gram, तो 0.5 gram। एम वन, एम वन कितना है नहीं पता है, एम वन तो एम वन को हमें क्या करना है, हाँ एम वन पता है 78 gram, तो 78 gram यहाँ पे एम वन लिख दिया, 78 gram per mole। ठीक है, उसके बाद M2, M2 नहीं पता है तो एज इट इज लिख दिया, क्योंकि सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है हमें। बात करते हैं W1 की, तो W1 ने यहाँ पे दिया 39 gram। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, यहाँ पे केवल एक ही अननोन है, तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई या गुणा करोगे, इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक है, तो M2 की वैल्यू निकल के आएगी, कितनी आ जाएगी, 170 gram per mole inverse। समझ में आ गया, तो ये क्या था हमारा, RLBP। अच्छा, अब इसको RLBP बोलते क्यों है, हमने पूरी रामायण देख ली, ठीक है, तो उसके बाद ये तो देखा नहीं, RLBP क्यों बोलते हैं। ये जो है पी वन नॉट सॉल्वेंट का प्रेशर था, ये क्या है सॉल्यूशन का, तो पी वन नॉट से पी वन का यानी कि डिक्रीज हुआ, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ यानी कि वेपर प्रेशर कम हुआ, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब चूंकि ये रिलेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पी वन नॉट के रिलेटिव में बात कर रहे हैं, इसलिए हम आगे लगा देते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सिंपल है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बुलाते हैं, RLBP। समझ में आ गया, तो ये सारी चीजें इस तरीके से इसको अपन डील कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, एक तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों ही आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है और काफी आसान है। तो जैसा कि हमें पता है जो वेपर प्रेशर है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि यदि हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, यदि हम इधर वेपर प्रेशर लें और इधर टेम्परेचर लें। तो बेसिकली क्या है कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या है, इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, अफकोर्स कोई भी यहाँ पे लिक्विड है, यदि हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे वेपर ज्यादा होंगे, तो जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो छोटी सी बात है, आपको पता होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं इस बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इट बॉइल्स, यानी कि लिक्विड बॉइल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। यानी कि कोई भी लिक्विड का जब वेपर प्रेशर उसके एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तब उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया? जैसे मान लो ये है एक लिक्विड, हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसा समय आएगा जब, जैसे मान लो यहाँ का एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या है, 180 है ना। अब ये जो प्रेशर है मान लो 0.5 है, और टेम्परेचर इंक्रीज किया ये 0.6 हुआ, और टेम्परेचर इंक्रीज किया ये 0.7 हुआ, इस तरीके से चलते चलते एक ऐसा समय आया जब ये वेपर प्रेशर 180 के बराबर हो गया, यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो जब उस टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर 180 के बराबर हो जाएगा, तब उसको बोलेंगे कि ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे आगे हम बढ़ रहे होंगे, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को, द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब यदि हम वाटर की बात करें तो आपको पता है कि जो पानी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों चीज हम काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं, आई होप कि वो आपको याद भी होगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल वाटर वॉल्स एट 373.15 केल्विन, और इसको हम बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो सिंपल कुछ नहीं है, डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है ना। यदि इसमें आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 273.15 ऐड कर दो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 373.15 केल्विन, राइट। तो ये क्या है, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये जो वाटर है इसका जो वेपर प्रेशर है वो 180 के बराबर हो जाता है, यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है बिकॉज एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 1.013 bar, यानी कि 1 atmosphere, है ना। तो ये जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 1 atm, और 1 atm किसके बराबर होता है, 1.013 bar के। ये कन्वर्जन में बता चुका हूं तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो ये बॉइलिंग पॉइंट आप आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो पहले इसको इरेज करते हैं, हमने क्या पढ़ाई, वी हैव ऑल्सो लर्न इन द लास्ट सेक्शन दैट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड सोल्यूशन सोल्यूट डेपेक्ट्स द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हमने ये देखा था कि ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। यदि हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एड किए, हमने अभी ये देखा था जब RLVP पढ़ रहे थे, है ना, और ये क्या हमारा सोल्यूशन बन गया जिसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एड किए, तो इससे क्या हो जाता है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, और ये वेरी करता है टेम्परेचर के अनुसार। इस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सोल्यूशन का या फिर सॉल्वेंट का, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब एक एग्जांपल समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के। ठीक है, तो देखो द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज लेस देन 1.013 bar एट दिस टेम्परेचर। समझने की कोशिश करना, मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, फिगर से समझाते हैं, ठीक है। ये क्या है, वाटर है, और इसमें भी वाटर है। अब हमने क्या किया, इसमें सुक्रोज डाल दिए, सुक्रोज के पार्टिकल्स डाल दिए। अब इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, ये 373.15 केल्विन, बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस। इसका भी टेम्परेचर दोनों का सेम है। अब आप ये कहोगे 100 डिग्री सेल्सियस पर ये तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ये तो बॉइल होगा, यानी कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो 180 के बराबर होगा, राइट। बट यहां पर ऐसा पाया जाता है कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो 180 से कम आ रहा है, यानी कि 1.013 से कम आ रहा है, 1.013 bar, है ना, यहाँ ATM है, यहाँ बार है, दोनों एक ही बात है।
तो इससे ये कम आ रहा है ना। टेम्परेचर दोनों का सेम रखा, हमने पाया कि जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर, यानी कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसी टेम्परेचर पर बात करें इस सॉल्यूशन की, यानी कि हमने इस वाटर में सॉल्यूट ऐड किया, कौन सा, सुक्रोज, तो इसका जो बॉइलिंग, जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm से कम आ रहा है, यानी कि ये जो टेम्परेचर है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं हुआ। तो अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो फर्दर हम इस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, और तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक ये जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm के बराबर नहीं आ जाता। यानी कि यहां से हमें क्लियर हुआ कि ये जो, यदि इसको हम मानते हैं, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको मानते हैं टीवी नॉट, तो इसका क्या होगा टीवी, और ये जो टीवी बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा टीवी नॉट से। सिंपल सी चीज है, समझ में आ गया है ना। ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब ये वेपर प्रेशर बढ़ेगा और बढ़ के 1 atm के बराबर होगा। अब हम समझते हैं इस ग्राफ को, ठीक है, सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। y एक्सिस पर हमने वेपर प्रेशर लिया, यहां पर हमने टेम्परेचर लिया केल्विन में। ये क्या है, सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट में हमने ऐड किए कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि हमें क्या मिलेगा, ये ग्राफ किसका, सॉल्यूशन का। ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, तो ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो इसके नीचे आना चाहिए उसका ग्राफ, क्यों, क्योंकि उससे कम होता है। जैसे कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, मान लो ये टेम्परेचर आपने ले लिया, ठीक है, तो इस टेम्परेचर पर ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होना चाहिए। इसको हम बहुत बार देख चुके हैं, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, उसको ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो ग्राफ है वो यहाँ पे आने वाला है इसके नीचे, ठीक है, ये दोनों के ग्राफ आ गए। अब मान लो ये वेपर प्रेशर, तो ये यहाँ पे 1 atm है, तो इसकी एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, यानी कि इस जगह बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना, तो क्योंकि इस जगह इसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm के बराबर है, और इस पॉइंट पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm के बराबर है। यानी कि ये जो इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, जिसको हम बोल रहे हैं टीवी नॉट, वो क्या होगा, इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। और फर्दर यहां पर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा टीबी, उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देख रहे हो टीबी नॉट से टीबी, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हुआ है। तो इस चेंज को, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल्टा टीबी, और ये कहलाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया, सिंपल सी बात, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी चीज इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया है, वो क्या होता है, डेल्टा टीबी यानी कि टीबी माइनस टीबी नॉट, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो टीवी बड़ा है, तो टीवी में से आप टीवी नोट सब्सट्रैक्ट करोगे तो निकल के आ जाएगा डेल्टा टीवी, और इस डेल्टा टीवी को हम बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल है। अब यहां पे डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जो डेल्टा टीवी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के, किसके, मोलालिटी के, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, और मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट, है ना, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। तो यहां से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो डेल्टा टीवी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, यहां से हम प्रूव कर दिया कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है, यानी कि पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है, इसके नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसलिए हम यहां से इसको प्रूव कर सकते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं। तो ये जो है डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलालिटी, मोलरिटी आपको पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्वेंट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसको मैं पहले बता चुका हूं। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो होता है के बी, ठीक है, इनटू एम, ये आपको याद होना चाहिए। अब इस के बी को बोलते क्या है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसको 2-3 नाम से बोला जाता है और क्वेश्चन में अलग अलग नाम से आपको दिया जा सकता है। तो के बी को एक तो हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और तीसरा इसको बोलते हैं इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अब यदि आपको ये नाम पता नहीं है और क्वेश्चन में आपको दे दिया, कोई क्वेश्चन वहां पे यूज किया कि इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट कितना दिया, 0.2, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो होता है क्या है, जब तक आपको ये पता ही नहीं हुआ कि ये कुछ और नहीं बल्कि केबी है। तो ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। यदि हम इसकी यूनिट की बात करें, केवी की यूनिट क्या आएगी, तो ये क्या, डेल्टा टीवी यानी टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, और ये क्या, मोलालिटी। तो ये टेम्परेचर डेल्टा टीवी
अपॉन मोलरिटी इक्वल टू केवी, केवी की यूनिट निकाल रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या आएगी, केल्विन। और मोलरिटी क्या होता है, मोल पर मास, यानी कि यहाँ पे ग्राम आएगा तो ग्राम को ऊपर ले जाते हैं, और वो किसमें होता है, केजी में होता है, तो केजी। तो बेसिकली क्या हो गया, केल्विन केजी मोल पर मोल, ठीक है। इस मोल को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। तो केल्विन केजी मोल इनवर्स इसकी क्या हो गई, यूनिट। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हो, है ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो यहां तक हम पहुंचे, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो मोलरिटी होती क्या थी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट यदि कोई मोल निकालने हैं तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता था, वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास। तो यहां पर आते थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि एन ऑफ एन टू कंपोनेंट जो सॉल्यूट है उसको हमने क्या माना था, टू माना था। तो बेसिकली ये क्या होगा, डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, क्या होगा, डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, देख रहे हैं, डब्ल्यू टू अपॉन एम टू। क्यों, डब्ल्यू टू माना हमने मास है सॉल्यूट का, और एम टू माना हमें मोलर मास है सॉल्यूट का। और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आता था मोलरिटी के, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट आता था किसमें, केजी में। तो यदि हम मानते हैं डब्ल्यू वन मास है सॉल्वेंट या ग्राम में, किसमें, ग्राम में दिया हुआ है, तो डब्ल्यू वन अपॉन हंड्रेड थाउजेंड कर देंगे तो ये किसमें आ जाएगा, केजी में। समझना, सिंपल सी बात है ना, डब्ल्यू अपॉन थाउजेंड किसमें आ गया, ये केजी में आ गया। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, तो एम टू इधर आ जाएगा और थाउजेंड ऊपर चला जाएगा, तो ये थाउजेंड इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन, राइट। तो हमने क्या निकाला था, डेल्टा टीवी निकाला था, केवी इंटू मोलरिटी, और मोलरिटी हमने ये निकाल ली, तो मोलरिटी की जगह ये पुट कर दो, है ना। तो यहाँ ये क्या है, एम, है ना, तो एम की जगह हमने पुट कर दिया, तो कितना गया, थाउजेंड इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू प्लस सॉरी एम टू इंटू डब्ल्यू वन, राइट। तो ये क्या गया, डेल्टा टीवी। बट हमें क्या निकालना था, एम टू निकालना था, तो यहाँ से एम टू आसानी से निकाल सकते हो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो एम टू इज इक्वल टू हो गया थाउजेंड इंटू, ये इधर चला गया, बाकी ऊपर तो सब सेम है, थाउजेंड डब्ल्यू टू के वी, और यहाँ पे डेल्टा टीवी इंटू डब्ल्यू वन, ठीक है। तो ये सिंपल सी इक्वेशन, कोई ज्यादा टफ नहीं है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। मैं इसको एक बार और आपको बता देता हूं कैसे हमने क्या किया। डेल्टा टीबी होता है केबी इंटू एम, ठीक है। ये जो मोलरिटी है हमें इसको निकालना होगा, तो मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और ये किसमें होता है, केजी में होता है। तो मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, और ये किसकी होती है, सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट का जो वेट है वो कितना है, डब्ल्यू टू है ग्राम में, है ना। और मोलर मास क्या है, एम टू। तो डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो सिमिलरली मास क्या होगा उसका, डब्ल्यू वन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते थे डब्ल्यू वन, बट वो ग्राम में दिया हुआ है, क्योंकि ग्राम में, ग्राम से हमें केजी में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, थाउजेंड का डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ पे जो डेल्टा टीबी है वो क्या होता है, केबी इंटू एम, तो एम की जगह पुट कर देंगे, है ना। तो ये फाइनली हमें डेल्टा टीबी की इक्वेशन आ जाएगी, तो एम टू और डेल्टा टीबी इसको एक्सचेंज कर देंगे, तो यहाँ से एम टू निकल के आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का हम यूज करके इसमें जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सिंपल है, टफ नहीं है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज क्या दिया है, ग्लूकोज दिया है कितना, 18 ग्राम, और ये ग्लूकोज का क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है C6H12O6 इज डिजॉल्व इन 1 केजी ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन। इसको हम क्या करते हैं, 1 केजी वाटर में डिजॉल्व करते हैं, और देखते हैं पूछ क्या रहा है। तो ये पूछ रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल एट 1.013 bar। तो यहाँ पर वाटर नहीं होगा, सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो इतना इस प्रेशर पर कितना रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो उसको तो निकालने की जरूरत है ही नहीं। तो बेसिकली ये क्या पूछ रहे हैं, इस जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो के भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, अब हम थोड़ा सा इसको कलेक्ट करते हैं, हमें निकालना क्या है, टेम्परेचर निकालना है, यानी कि डेल्टा टीवी पता चल जाए तो वहां से हम निकाल सकते हैं, ये क्या होता है, के पी इंटू एम। तो अब बेसिकली हम क्या करते हैं, के भी हमें पता है, मोलरिटी हमें निकालना है, तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, तो जो मोलरिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है,
ये यदि आपको फॉर्मूला याद है तब कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसी से आ जाएगा, यदि याद नहीं है तब थोड़ा सा इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो निकालते हैं इसको। मान लो हमें फॉर्मूला याद नहीं है, बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे, और मैं फिर फॉर्मूले से भी आपको इसको बता दूंगा। तो पहले तो मोल निकालने पड़ेंगे हमें ग्लूकोज के। तो मोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे वेट कितना दिया है 18 ग्राम, और इसका जो मोलर मास आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 180। तो 18 अपॉन 180 0.1 मोल, इसके मोल आ गए किसके, ग्लूकोज के। अब यहाँ पे मास की बात करते हैं सॉल्वेंट की, तो वो तो बने केजी दिया है तो ये केजी में ही होना चाहिए, तो यहाँ पे पुट कर देंगे बन। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया 0.1/1 यानी कि 0.1 मोलरिटी इसकी आ गई, क्या आ गया एम आ गया 0.1। अब के भी हमें कितना दिया है 0.52, तो डेल्टा टी भी यहां से निकाल लेंगे 0.52 इंटू 0.1, तो वो कितना आ जाएगा 0.052। ठीक है, तो 0.052 क्या आ गया डेल्टा टी भी। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो देखना डेल्टा टीवी क्या होता है, टीवी माइनस टीवी नॉट, ये क्या है सॉल्वेंट का है और ये क्या है सॉल्यूशन का है। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, तो इसको इधर ले आओ, यानी कि टीवी क्या होगा डेल्टा टीवी प्लस टीवी नॉट, ये इधर आएगा ना तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ टीवी इक्वल टू क्या होगा डेल्टा टीवी प्लस टीवी नॉट। ठीक है, तो ये हमें पता है कितना आया अभी 0.052 केल्विन, राइट। और ये टीबी यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो हमें पता है कितना होता है 373.15। तो ये इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 373.202 केल्विन, सिंपल। ठीक है, अब हम चलते हैं कि मान लो हमें फॉर्मूला याद है तब तो कोई दिक्कत है नहीं, इतनी खिचड़ी पकेगी नहीं, है ना, तो उससे ये डायरेक्ट कैसे होगा तो हम देख लेते हैं। ठीक है, डेल्टा टीवी निकालना है यहाँ पे, तो देखो पता क्या क्या है, के भी पता है ना, तो के भी यहाँ पे पुट कर देंगे 1000 W2 बोले तो ये वाला है ना, किसका सॉल्यूट का वेट, तो ये पता है हमें W2 भी पता है। M2 क्या होता है सॉल्यूट का मोलर मास, तो ये दिया है, इसका मोलर मास हम निकाल सकते हैं यहां से 180। यदि ये नहीं दिया होता तब मोलर मास नहीं पता होता, तब थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ जाती है ना, तो ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे 180 है ना, तो इसके पुट कर देंगे। अब क्या W1 पता है, W1 क्या है सॉल्वेंट का मास, किसका सॉल्वेंट का वेट, तो वो कितना दिया है 1 kg, ये किस में होता था ग्राम में होता था, तो इसलिए इसको 1 kg को कन्वर्ट कर लेना ग्राम में, तो ये 1000 ग्राम, तो 1000 इसके पुट कर देना, सॉल्व करोगे तो डेल्टा टी भी आ जाएगा, फिर सॉल्व होगा। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से भी हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते थे, बाकी बिना फॉर्मूले के भी हम सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने दिया है 353.23 केल्विन। ठीक है, व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो ये कोई सॉल्यूट है जिसका मास 1.8 ग्राम है, उसको यदि हम डिसॉल्व कर दें, जो नॉन वोलेटाइल लगे ना, नॉन वोलेटाइल होगा तभी ये सारी कंडीशन वैलिड है, तो इसको हम क्या करना है डिसॉल्व करना है किसमें 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में, है ना, तो मान लो 90 ग्राम बेंजीन जिसमें हमने डिसॉल्व कर दिया 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल। अब हमें क्या बताना है, अब ये आगे क्या दिया है, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू दिस, पहले बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट इतना था, जब हमने इस सॉल्यूट को उसमें डाला तो बॉइलिंग पॉइंट 353 से हो गया 354, जो भी आगे थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, इतना आ गया। अब हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास बताना है, यानी कि हमें एम टू बताना है, और के भी बेंजीन का इन्होंने दे रखा है, तो क्या इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन अगेन फॉर्मूला बेस्ड है, काफी आसान क्वेश्चन है, है ना, तो उस फॉर्मूले को देखते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमें दी क्या कह रही है, 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये क्या है, ये W2 है ग्राम में दिया हुआ है, ये क्या है, ये W1 है ग्राम में दिया है, ये क्या है, ये KB है, KB दिया हुआ है, इन दोनों से क्या निकल जाएगा, इन दोनों से निकल जाएगा डेल्टा टीबी दिया है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है M2। ठीक है, अब वापस उस फॉर्मूले पर पहुंचो, उस फॉर्मूले को मैं इधर ही ले आता हूं, ना ये फॉर्मूला निकल के आया था ना। ठीक है, अब देखो इसको, ये फॉर्मूला है हमें M2 निकालने के लिए, तो अब देख लो वापस से 1000, तो एक नंबर के वैल्यू जो W2 कहां है, ये W2 दिया है 90 ग्राम, W2 दिया, W1 दिया है,
ये के भी दिया है और यहाँ पे डेल्टा टीवी, इन दोनों टेम्परेचर डिफरेंस से हम निकाल लेंगे, सब पुट करेंगे तो एम टू आ जाएगा। ठीक है, तो फटाक से सारी वैल्यू पुट कर दो, इसको सॉल्व कर दो, एम टू यहाँ पे निकल आएगा, सिंपल था। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। तो इससे पहले हमने क्या देखा था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखा था, तो वहां पे हमने जाना था कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। उस तरीके से यहाँ पे भी हमको जानना पड़ेगा कि आखिरकार फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हम किस चीज को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, राइट। तो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख ली थी, ये तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता क्या है ना। तो जैसे मान लो फ्रीजिंग पॉइंट, यदि मैं पूछूं पानी का, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो आपको पता होगा कि वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब जैसे मान लो ये क्या लिक्विड है और यहीं पे सॉलिड है, यानी कि लिक्विड से ये सॉलिड में फ्रीज हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, लिक्विड फेज में और सॉलिड फेज में इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी हो जाता है, कब? एट फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, ये क्या है, लिक्विड फेज है और ये क्या है, सॉलिड फेज। तो जब सॉलिड फेज और लिक्विड फेज इन दोनों के वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं कि ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। मैंने क्या कहा कि इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, ये लिक्विड फेज है, ठीक है, और ये क्या है, ये सॉलिड फेज है, तो इसका भी कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो एक ऐसे टेम्परेचर पर जब इन दोनों के वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ गया, सिंपल है। बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या देखा था, बॉइलिंग पॉइंट में सिंपल देखा था कि जो लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर है यदि वो 180 के बराबर हो जाए, यानी कि बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के जब बराबर हो जाता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। तो अब एनसीईआरटी पे चलते हैं, तो एनसीईआरटी में वही चीज लिखी है, अलग से नहीं लिखी है, ठीक है, कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम में रहता है लिक्विड फेज से, ये मैं बता चुका। अब फ्रीजिंग पॉइंट की यहाँ पे डेफिनेशन दी है, क्या होती है, द टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर उस पर वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। जब लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर से बराबर हो जाए तब हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ गया। तो इस सब चीजों को अब इस ग्राफ को हम देखते हैं कि ग्राफ कैसे आया और किस तरीके से टी एफ नॉट से कम आया। हमने बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखा था, बॉइलिंग पॉइंट में हमने देखा था कि जो ये क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, इस सॉल्वेंट में यदि हम कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तब हमें क्या मिलता था, सॉल्यूशन मिलता था, ठीक है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा आता था, लेकिन इन फ्रीजिंग पॉइंट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो सॉल्वेंट है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है टी एफ नॉट, और जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है टी एफ, वो कम होता है टी एफ नॉट से, है। तो इसको आप समझते हैं ग्राफ से। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं वो हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, इस पे लिया मैंने वेपर प्रेशर, इस पे लिया मैंने टेम्परेचर, राइट। अब आपको पता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो इस तरीके से ग्राफ आ गया। ये है क्या, सॉल्वेंट, इसको हम बोलते हैं प्योर सॉल्वेंट। अब आपको ये भी पता है कि यदि हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूट होते हैं वो कौन से ऐड करते हैं, हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, है ना। तो वो बैटरी रहते हैं, आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ कितना भी हीट करो वो छोड़ के जाएंगे नहीं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो इसको मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है, है ना। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। तीन बार रिपीट कर दिया है, अब इसको आपको भूलना नहीं है। तो ये जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये है, तो इसके नीचे ही आएगा सॉल्यूशन का ग्राफ, है ना। तो ये क्या आ गया, सॉल्यूशन का ग्राफ आ गया, है ना। इसमें हमने क्या किया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए थे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। तो ये इसके नीचे आ गया। अब आप एक चीज देख सकते हो, कोई भी टेम्परेचर उठा के देख लो, मान लो मैं इस टेम्परेचर पे बात करूं, है ना, तो ये टेम्परेचर है, यहाँ पे आप लाइन खींच दो, तो आप देखोगे कि यहां पर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आ रहा है वो यहां से ज्यादा आ रहा है, यानी कि किसी भी पॉइंट पे आप बात करेंगे तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा।
तो ये जब ये दोनों जो हम बात कर रहे हैं वो किसमें बात कर रहे हैं, लिक्विड फेज में है ना, तो ये किसमें है लिक्विड में, और ये किसमें लिक्विड में, सोल्यूशन भी लिक्विड में और सॉल्वेंट भी लिक्विड में। अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़े, ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्राफ है ये किसका है सॉलिड फेज का, किसका है सॉलिड फेज का, और ये किसका है सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, स्पेलिंग से लिख लेना, सॉलिड फेज में। अब मैंने एक डेफिनेशन बताई थी फ्रीजिंग पॉइंट की, वो क्या होती थी वो आपको पता होगा, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता है आपको, मैंने क्या बताई थी, जब फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन मैंने बताई थी, जब लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर, लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर से बराबर हो जाए, है ना, तो ये सॉलिड फेज है ये लिक्विड फेज है, तो इन दोनों का वेपर प्रेशर यहां पे बराबर होगा, तो ये क्या होगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम बोलेंगे टीएफ नॉट। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, जब लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर से बराबर हो जाए, तो इसको थोड़ा हमने एक्सटेंड किया, तो इस पॉइंट पर देख रहे है ना, ये सॉलिड फेज है ये लिक्विड फेज है, दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो गया, तो जब दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, तो टीएफ नॉट किसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा सॉल्वेंट का। अब हम क्या करते हैं सॉल्यूशन वाले को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, है ना, तो यहां पहुंच गया ब्लैक वाला, राइट, तो इस केस में ये क्या है लिक्विड है तो लिक्विड फेज में, और ये किसमें सॉलिड फेज में, तो जब लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर से बराबर हो जाए तो यहां होगा, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ये किसका है सॉल्यूशन का, ठीक है, समझ में आ गए। अब आप यहां पे देख रहे हो जो टी एफ है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो टी एफ नॉट से कम है, तो टी एफ लेस देन टी एफ नॉट। अब डेल्टा टी एफ जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये कम हो रहा है। अब वापस चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा पहले इसको रेज कर लेते हैं, राइट, ये ग्राफ किसका था लिक्विड सॉल्वेंट का, और ये सॉल्यूशन का, और ये फ्रोजन सॉल्वेंट, तो एक इस पॉइंट पर इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम है ना, तो ये क्या होगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट, टीएफ नॉट इसको बोलते हैं। सॉल्यूशन को एक्सटेंड किया तो ये सॉलिड है ये लिक्विड है ना, तो अगेन यहां पर इन दोनों का वेपर प्रेशर बराबर होगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट होगा किसका सॉल्यूशन का, तो ये टीएफ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, टीएफ नॉट सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, तो डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू आ गई वो कितनी है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ इज नोन एज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, सिंपल सी बात है, ये समझ में आ गई, ठीक है। अब अगेन इसको निकालने के बाद सारी चीजें सेम हो गई, जैसे हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में जो डेल्टा टीबी आता था वो क्या आता था टीबी माइनस टीबी नॉट, है ना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का, यहां पर उल्टा हो रहा है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब अगेन डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो जो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है मोलरिटी की, मोलरिटी किसके मोलरिटी, और मोलरिटी क्या होती है मोलरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपने यहां पे मास आता है सॉल्वेंट का इन केजी, ठीक है, तो अगेन ये जो डायरेक्ट जो डेल्टा टी एफ है वो किसके प्रोपोर्शन हुआ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के प्रोपोर्शन हुआ, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स के प्रोपोर्शन होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना, तो ये अगेन हमने यहां से प्रूव कर दिया कि क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के अनुसार सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अनुसार वेरी करती है, बाकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। अब बाकी जो हमने उसमें किया था बॉइलिंग पॉइंट में वो सारी चीज हम इसमें करेंगे और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो यहां पर क्या जाएगा के एफ, ये के एफ क्या होता है प्रोपोर्शनल नलिटी कॉन्स्टेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं देख लीजिएगा, है ना, तो वहां पे के बी आता था यहाँ पे क्या आ रहा है के एफ आ रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, उसको बोलते थे इलेवेशन पॉइंट इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, राइट, और इसको एक और नाम देते हैं क्या मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे कायरोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, राइट, वहां पे तीन नाम थे इसके, कौन कौन से थे तीन नाम वो आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि उन नाम को भूलना नहीं है, गायब हो गए यार वो, ये रहे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, ये तीन नाम इसको देते थे, और यहां पे तीन नाम कौन कौन से हैं इसके फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट। तो ये आपको याद होना चाहिए। मैं कभी कभी इन दोनों के नाम भूल जाता था, अभी भी भूल रहा हूँ क्योंकि काफी लंबे समय से मैंने रिवाइजन को नहीं किया है, राइट। तो ये आप याद कर लेना। बाकी यूनिट की बात करें, है ना, तो जो यूनिट है वो सेम आएगी, केल्विन केजी मोल इनवर्स। कैसे आएगी वो मैंने आपको वहां पे बताई थी, यदि यहाँ पे भी देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा। ये डेल्टा टी इक्वल टू के एफ अपॉन एम ए इंटू एम ए, ठीक है। तो यहाँ से के एफ निकाल लो, के एफ क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन एम, इसकी क्या होती है यूनिट केल्विन, और ये मोलिटी क्या होती है, मोल पर मास, है ना। तो मास किसमें होता है, केजी में, तो केजी। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, केल्विन, ये क्या है मोल, और केजी ऊपर पहुंचा, है ना, तो केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो इसको लिख सकते हैं हम मोल इनवर्स, तो केल्विन केजी और ये क्या है मोल इनवर्स, राइट। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। तो सिंपली जो मोलरिटी है वो हमने निकाली थी बॉइलिंग पॉइंट वाले में, कितनी निकल के आ रही थी, इतनी निकल के आ रही थी। डेल्टा टी एफ क्या होता है, डेल्टा टी एफ होता है के एफ इंटू एम, इसमें कंफ्यूज मत होना, बॉइलिंग पॉइंट वाले में निकाली थी वही सेम है। तो एम की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो डेल्टा टी एफ क्या आ गया, ये आ गया। बाकी जो सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे क्या है के बी की जगह के एफ आ रहा है और डेल्टा टी बी की जगह डेल्टा टी एफ आ रहा है, ठीक है। तो अगेन इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, 100 जो 1000 ऊपर जाएगा, एम टू नीचे आएगा, तो इस तरीके से आ गया, है ना। फिर एम टू को इधर लाओ, डेल्टा टी एफ को उधर पहुंचाओ, थोड़ा सा इसको रेज करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा M2 का निकल के आ गया, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट वाले में निकाला था वैसे ही आप इसको यहाँ पे निकाल लेना, सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, राइट। अब हम इसमें दो फॉर्मूले और हमें देखने को मिलते हैं, उन फॉर्मूले को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये वाले, ये क्या करना है आपको याद करना है, ठीक है। Kf इज इक्वल टू होता है R इंटू एम वन इंटू टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन, और Kb होता है R इंटू एम वन इंटू टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे Kf तो वो कांस्टेंट है, Kb और Kf, और R यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट, जो आप पढ़ते हैं ना Pb इक्वल टू nRT, तो ये वाला R है यहाँ पे, और यहाँ पे जो M है वो क्या है, मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का। तो जो M है इन दोनों केस में वो क्या है, मोलर मास है किसका, सॉल्वेंट का, राइट। और ये जो TF TB है ये फ्रीजिंग पॉइंट है किसके, TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का, और TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है, फ्यूजन एंथैल्पी, ये क्या है, वेपराइजेशन एंथैल्पी। तो इस फॉर्मूले का आप याद कर लीजिएगा, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ वैल्यू दे रखी है, याद करने की जरूरत आपको है नहीं, कि जो सॉल्वेंट यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं। तो जैसे वाटर का ही एग्जांपल देख लें, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373.15, जो तो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है ना। यदि केवी की बात करें तो 0.52, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो 273.0 यानी कि 0 डिग्री के बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। और इसका जो वो है केएफ वो कितना होता है, 1.86, तो याद कर लेना यदि कर सको तो, बाकी किसी को नहीं देखना है, वैल्यूज आपको एग्जाम में गिवन होंगे, तो डोंट वरी फॉर दैट, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के बाद, थ्योरेटिकल पोर्शन इतना ही था, काफी इजी था क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट को अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा फास्ट करा दिया है, ठीक है। तो अब एग्जांपल समझते हैं कि किस तरीके से एग्जांपल आते हैं। यहाँ पे कह दिया है 45 ग्राम दिया है इथाइलिन ग्लाइकोल, और इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने, उसका फॉर्मूला है ना। तो इससे हमें क्या है, एम टू निकालने की जरूरत नहीं है, है ना। तो एम टू यहाँ से मोलर मास डायरेक्टली पता लगाएंगे। तो जब आप इसका मोलर मास निकालोगे तो कार्बन दो है यानी कि 24, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, और दो कार्बन है, दो कार्बन का कितना होगा 24, हाइड्रोजन का कितना होता है एक, टोटल कितने हाइड्रोजन है 6, तो प्लस 6, ऑक्सीजन कितना है 32, तो ये 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 32 कितना आ जाएगा 62 के बराबर। तो इसका जो M2 है, M2 कितना आ गया 62, M2 कितना आ गया 62, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का यहां में क्या दिया W वेटिकुलस, हाँ 600 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे W1 यानी कि वेट ऑफ वाटर दिया है, यदि इसको केजी में करा तो कितना होगा 0.6 केजी, और W2 कितना दिया है 45 ग्राम,
ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो बेसिकली यदि हम डेल्टा टी एफ निकालते हैं सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या था, वो क्या होता था, के एफ इंटू एम। तो सबसे पहले हमें के एफ नहीं पता है, आप ये सोचोगे है ना, तो ये वाटर की बात कर रहा है, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो वाटर का जो के एफ होता है वो कितना होता है, 1.86। उस टेबल से इन्होंने ले लिया है, बाकी आपको ये एग्जाम में गिवन होगा। तो के एफ हमें पता है 1.86, कितना 1.86। हमें क्या निकालना है, मोलालिटी निकालना है। तो जो मोलालिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया यहाँ पे, 0.6 केजी है ना। तो 0.6 केजी क्या दिया, मास, तो नीचे आ जाएगा 0.6 केजी। मोल की बात करें है ना, तो मोल निकालना है किसका, सॉल्यूट का। तो मास कितना है, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास है ना। तो वेट कितना दिया है, 45। और मोलर मास हमने इसका निकाला, इथाइलीन ग्लाइकोल का कितना आया, 62। तो 45 अपॉन 62 को सॉल्व करोगे 0.73। तो जो मोलालिटी है वो क्या होगा, मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल कितना है, 0.73, मास कितना है, 0.6 केजी। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1.2 क्या जाएगा, मोलालिटी आ जाएगा। तो अगेन फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम, ये होता था। तो के एफ की वैल्यू कितनी है, 1.86, उस टेबल से हमें याद है वाटर की, ठीक है। बाकी एग्जाम में यदि हुई होगी तो टेंशन नहीं लेना है। तो इसकी जगह पुट कर देंगे 1.86 और मोलालिटी की जगह पुट कर देंगे 1.2। तो 1.86 इनटू 1.2 तो आएगा 2.2 केल्विन। ये क्या आया, डेल्टा टी एफ आया 2.2 केल्विन, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो ये हमने निकाल लिया। अब फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालना है, तो सॉल्यूशन का कैसे निकालेंगे, तो ये डेल्टा टी एफ है वो क्या होता है, वो होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ, राइट। यहाँ पे टी एफ नॉट किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है। तो वो कितना होता है सॉल्वेंट का, आपको पता है 273.15, यानी कि 0°C है ना। तो इसकी जगह पुट कर देंगे 273.15। निकालना क्या है हमें, सॉल्यूशन का निकालना है ना। तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, रुको थोड़ा सा इसको मैं इरेज करता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, हमें ये पता है, ये पता है, ये निकालना है। क्या इसको निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, यानी कि टी एफ इज इक्वल टू कितना होगा, टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, राइट। टी एफ नॉट कितना है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273.15 माइनस डेल्टा टी एफ कितना है, हमने निकाला है यहाँ पे 2.2। तो 2.2, तो जब इसमें से इसको आप घटाओगे तो 270.95 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा किसका, सॉल्यूशन का। सिंपल है, समझ में आ गए, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एग्जांपल 2.10, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगेन सिंपल एग्जांपल है। 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है। तो ये जो है सॉल्यूट है, तो ये क्या हुआ, W2, और ये जो बेंजीन है ये क्या हुआ, इसका मास दिया W1, राइट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। तो ये डेल्टा टी एफ कितना दिया हुआ है, ये क्या है, डेल्टा टी एफ 0.40 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेंजीन ये क्या दिया है, के एफ, यहाँ पे के एफ इन्होंने ये दे रखा है। हमें क्या बताना है, सॉल्यूट का मोलर मास बताना है, यानी कि M2। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था है ना, उस फॉर्मूले को बस पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, M2 होता था के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू W1। ये फॉर्मूला था, क्या ये फॉर्मूला आपको याद है, नहीं है तो याद कर लीजिएगा, वरना आप वैसे भी बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो के एफ की वैल्यू हमें पता है, W2 की, के एफ की वैल्यू रख दी कितनी, 5.12। W2 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कितनी, 50 ग्राम। तो W2 की कितनी, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम W2 की जगह रख दिया, और 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ दिया गया 0.40 केल्विन, तो इसकी रख दिया 0.40 केल्विन इंटू W1 कितना, 50 ग्राम। तो इसकी जगह 50 ग्राम। तो आप इसको सॉल्व करोगे है ना, तो आंसर निकल के आएगा 256 ग्राम पर मोल इनवर्स। ये क्या गया, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, काफी सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ ये नहीं है। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया उसको मैं थोड़ा सा आपको एक बार बता देता हूं। हम अभी पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज,
ठीक है। तो चार तरह की होती है, एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसको हम बोलते हैं RLVP, तो इसको हमने पढ़ लिया। चार प्रॉपर्टीज इसमें देखने वाले थे, ठीक है। डेल्टा टीवी, इसको हम क्या बोलते थे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी हमने पढ़ लिया। तीसरी हमने पढ़ी डेल्टा टीएफ, इसको हम क्या बोलते थे, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये पढ़ लिया। अब एक और बची ऑस्मेटिक प्रेशर वाली, चौथी एंड लास्ट प्रॉपर्टी। तो चूंकि ये वीडियो ऑलरेडी एक घंटे का हो चुका है ना, और एक घंटे देखना थोड़ा सा बोरिंग हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसमें तीन प्रॉपर्टी ही कवर करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सी देखेंगे, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज को देखेंगे। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी देखेंगे, ऑस्मेटिक प्रेशर वाली। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि किसी भी तरह का कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, तो ठीक है, फिर हम इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।